श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। विषय महत्वपूर्ण है, भैरव का पूजा कैसे करें। लेकिन उससे पहले एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट है कि पिछले 28 दिनों में कितने लोगों ने मेरे चैनल के वीडियोस को देखा है, मतलब 385,000 लोग। और इसमें सब्सक्राइब लोग कितनों ने देखा है, तो 44,000 लोग। इसका मतलब 341,000 लोग ऐसे हैं जो कि मेरे वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप अगर नहीं चाहते कि हर वीडियो के शुरुआत में मैं बोलूं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे बेल आइकन है, तो चुपचाप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब आते हैं विषय पे। देखो, भैरव बाबा का जो पूजा है वो बहुत ही सिंपल पूजा होता है, उसमें कुछ भी तामझाम नहीं होता। ठीक, तो आप लोग किताबों में पढ़ेंगे कि उनके पूजा में हृदय न्यास होता है, कर्णन्यास होता है ना। लेकिन वो सब जाप विधि है, वो अलग से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा उसको भी सिंपल करने का। इतना वो जितना तरीके से बताता है उतना लंबा उसका प्रोसेस नहीं होता है। तो भैरव बाबा का पूजा कैसे करें। देखो, भैरव बाबा को स्पर्श पसंद नहीं है, ये समझ लो आप। पहला सिद्धांत, भैरव पूजा का पहला सिद्धांत होता है कि भैरव बाबा को स्पर्श पसंद नहीं है, और स्पर्श करे भी अगर उनकी मूर्ति या तस्वीर है तो सिर्फ एक व्यक्ति कर सकता है। दूसरा जो सिद्धांत है वो ये है कि स्पर्श दिन में एक ही बार होगा, कोई भी कर ले। तो भैरव पूजा का शुरुआत हम लोग कैसे करते हैं। देखो, भैरव की आपने मूर्ति रखी हो या घर में आपने फोटो रखा हो, काल भैरव, बाल भैरव, बाल भैरव की फोटो रखते हैं बाहर, काल भैरव की पूजा करते हैं, तो दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है भैरव बाबा के आसपास। क्या क्या? सबसे पहले एक लोहे का त्रिशूल होना चाहिए बाबा के पास। दूसरा, एक खैर के लकड़ी का एक दंड होना चाहिए। ये दो चीज आपको वहां रखना होगा। एक डमरू रखेंगे, डमरू में घुंघरू बांध के रखेंगे, ये आपको घर पे भी रखना, ये तीन आइटम। ठीक है, बाबा को अलग अलग दिन पे अलग अलग तेल का दिया जलता है। जैसे किसी दिन सरसों जलेगा जनरल डेज पे, बुध बृहस्पति और इतवार को एक से ज्यादा दिया जलेगा। एक में चमेली तेल से जलेगा, एक में तिल के तेल से जलता है, एक में सरसों के तेल से जलता है। रोज बाबा को धूप देना होता है गूगल का। ठीक है, तो दो आप धूपदानी रखेंगे, एक को जला करके उसमें गूगल से आप उनको धूप दिखाएंगे, दूसरा में कलेजे का टुकड़ा जो होता है बकरे का वो जला करके, मतलब धूप करके, और उसके बाद बाबा को देंगे। बाबा को ये दो चीज़ें बहुत पसंद है। तो ये तो हो गया व्यवस्था। उसके बाद कारण, अगर आपको महुआ का शराब मिलता है तो वो एक नंबर पे आता है। उसके बाद दो नंबर पे कोई भी शराब जो कि आप खुद पीते हैं वो आप चढ़ा सकते हैं। ठीक, उसके बाद धूम्रपान की व्यवस्था होनी चाहिए बाबा की। तो धूम्रपान में आप सिगरेट पीते हैं, सिगरेट मिलता है तो वो, या फिर और कुछ धूम्रपान का आप लोगों का लोकल में कुछ चलता है तो वो, खैनी अगर आप खाते हैं तो बाबा को देंगे। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, भोजन के बाद, भोजन परांत जब भी बाबा को आप नवेद चढ़ाते हैं तो नवेद के बाद बाबा को पान और पाचक, ये दो चीज देना अनिवार्य होता है। तो क्रमबद्ध तरीके से आइए। सबसे पहले भैरव बाबा का स्नान का क्या करना है। तो भैरव बाबा के किसी भी मूर्ति का स्नान सप्ताह नहीं, महीने में एक बार करो, जो अष्टमी आती है उस दिन करो। ठीक है, सप्ताह में एक दिन, मान के चलो रविवार पकड़ लिया, तो भैरव बाबा की मूर्ति या फोटो को चमेली के तेल से पोंछ देना, हाथ से स्पर्श नहीं होना चाहिए। ठीक है, और महीने में एक दिन उनको स्नान करवाओ। स्नान जो होता है भैरव का, अगर आपको विधि नहीं पता है कि भैरव का अभिषेक कैसे होता है तो विधि में पढ़ना मत, सीधे जल से स्नान करा करके, वो भी ऊपर से बिना छुए, और फिर कपड़े से उनको पोंछ देना। ठीक है, पोंछ के तुरंत उनमें फिर तेल का लेप लगता है, मतलब तुरंत, उसमें एक मिनट का देर नहीं करना है। ठीक है, भोग, उसके बाद भोग में भैरव बाबा को क्या क्या चढ़ा सकते हैं आप। उड़द दाल की पकौड़ियाँ चढ़ा सकते हैं, दही वड़ा चढ़ा सकते हैं, मछली चढ़ा सकते हैं, जो छोटी मछली होती है वो चढ़ा सकते हैं, बकरे का कलेजा चढ़ा सकते हैं, इमरती चढ़ा सकते हैं, जलेबी चढ़ा सकते हैं, चना चढ़ा सकते हैं। हाँ, ऐसे भैरव बाबा को जिस दिन जो खाने का मन होगा वो आपको उस दिन उसका भाव दे देते हैं। ठीक,
तीसरा क्या है, तीसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है भैरव बाबा के, कि अगर आपने प्रसाद वसाद चढ़ा लिया तो पूजा पूजन विधि क्या होगा। तो देखो मैं बताता हूँ, जब आप किसी मूर्ति को रखते हो या फोटो को रखते हो तो जरूरी नहीं है कि आप रोज मंत्र के द्वारा ही उनकी सेवा करो, ठीक है। मतलब अगर भोजन दे रहे तो मंत्र, पानी दे रहे तो मंत्र, सिगरेट दे रहे तो मंत्र, नहीं जरूरी नहीं है, भाव के साथ सब देना, ठीक। भैरव बाबा की आरती कम से कम दिन में 2 बार करना, और अगर सुबह 12 बजे और मध्य रात्रि 12 बजे का अगर आरती संभव हो तो वो सबसे उत्तम होता है। अगर आप गृहस्थ तो ऐसा मत करना, जो समय है, जो समय सारणी है उसी के हिसाब से आप इनकी आरती करेंगे। जब भी बाबा को नवेद लगता है तो पट बंद होना चाहिए, 1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। बाबा को जो भी भोग लगेगा उसका पहला हिस्सा आपको देना है किसी कुत्ते को, खुद मत खा लेना। बाबा के भोग का पहला हिस्सा जो भी प्रसाद है वो पहले किसी कुत्ते को देना, फिर उसको ग्रहण करना, ठीक है। रात्रि में पट बंद होने से पहले जो एक मुख्य सेवक होगा वो बाबा को का हाथ पैर दबाएगा, बिना हाथ पैर दबाए बाबा को सोने जाने का आदत नहीं है। इसके अलावा जब पट बंद कर रहे हो उस समय जरूर 1 अगरबत्ती या 2 अगरबत्ती बाबा के सामने जला दीजिएगा, और निश्चित कर लीजिएगा कि आपका दिया 3 में से 1 जरूर जल रहा हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल पूजा होता नहीं। हाँ, मंत्र पूजा की जहाँ तक बाबा की बात है तो मंत्र, अगर आप साबर मंत्र से बाबा की पूजा कर रहे हो तो फिर उसमें कोई विधान नहीं है। देखो, जब भी बाबा के पास जा करके आप मंत्र जाप करते हो उनके मंदिर में, या आपके घर में अगर उनकी तस्वीर है बटुक भैरव की, तो याद रखना कि माला से जाप नहीं करना बाबा का। बाबा का जाप जो है डायरेक्ट होता है, और जब भी आप जाप करो तो बाबा की मूर्ति के आंख में या तस्वीर की आंख में देख के जाप करना होता है, जो बहुत देर तक आप नहीं कर पाओगे। दूसरा विषय, माला में जाप करना बाबा का 2 कारण से मना है। पहला कारण तो यह है कि मैंने पहले भी बोला है, अगर आप जाप माला से करोगे तो ध्यान माला पे रहेगा, ना कि बाबा पे रहेगा। दूसरा, बाबा का मंत्र इतना कलयुग में इतना एक्टिवेटेड है कि चांसेस ये होता है कि अगर आपका माला एनर्जाइज हो गया और आपने उसको धारण कर लिया या रख लिया तो उसके कारण, क्योंकि उसमें एक्यूमुलेट होता है, माला में मैंने बताया है कि यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो होता है, तो वो पूरा जब एक्यूमुलेट हो जाता है एनर्जी तो वो आपको पागल करने के लिए सक्षम है, जब तक आपके पास एक सक्षम गुरु ना हो। तो ये हो गया। तो शुरुआत कैसे करना है मैंने बता दिया, स्नान महीने में 1 बार, पोछना हर रविवार के रविवार चमेली के तेल से, प्रसाद में क्या चढ़ाना है बता दिया, मदिरा में क्या चढ़ाना है बता दिया, धूम्रपान में क्या चढ़ाना है, पूजा के बाद क्या चढ़ाना है, 2 बार आपको आरती करनी है। इतना करो, ज़्यादा तामझाम मत करना बाबा का, इतना करो, और उसके बाद फल देखो कि बाबा आप पे कितना प्रसन्न होता है। दूसरा, भाव के साथ मंदिर जाना, काम सोच करके नहीं, मुझे नहीं मन होता है, मुझे नहीं बुलावाता, मैं नहीं जाता मंदिर, और जाता हूँ तो फिर 6-7 घंटे कैसे निकलते हैं पता नहीं चलता, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बाबा का सेवा करो तो बहुत उत्तम फल आप लोगों को प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही। मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, अब तो अपॉइंटमेंट का भी हिसाब है। 2 WhatsApp ग्रुप मैंने चालू किया है, 1 बिगनर्स के लिए और 1 एडवांस लेवल के लिए। बहुत लोग एडवांस लेवल में सीधे जा रहे हैं, तो आप जो भी एडवांस लेवल में जा रहे हैं ये समझ लो कि आपके पास आसन मंत्र होना चाहिए, आपके पास बंधन मंत्र होना चाहिए, दिशा मंत्र होना चाहिए, भगवा मंत्र होना चाहिए, चिमटा मंत्र होना चाहिए। अगर सारे मंत्र आपके पास हैं तब फिर एडवांस ग्रुप में आप घुसना, ठीक है। तो बात अधूरी रह गई थी, कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च करिए, मैं आपको मिलूंगा। व्हाट्सएप पे आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मेरे वेबसाइट पे जाके आप अपॉइंटमेंट भी सीख कर सकते हैं। मैं थोड़ा प्रोफेशनल हो गया हूँ क्योंकि अनवांटेड लोग काफ़ी आ रहे हैं, ठीक है। तो भैरव बाबा, रांची वाले भैरव बाबा, आप लोग वो पे कृपा बनाए रखें, जिसके भी आर्थिक कष्ट है वो सब दूर हो, ऐसा मेरा कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।